हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 4 सोशल साइंस के चैप्टर 4 एंड आइडियल होम के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप इस चैप्टर को समझ लेंगे ना, तो आपको एक आइडियल होम में क्या क्या होना जरूरी है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। गाइस, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयशा लिव्स इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। देखिए, आयशा जो है वो कहाँ रहती है? आयशा रहती है उत्तर प्रदेश के बेगमपुर में, एक छोटे से हाउस जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि बेगमपुर के बाहरी इलाके में सिचुएटेड है। ओके, द रोड्स आर कच्चा अनसर्फेस्ड एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। देखिए, जो रोड्स हैं वो बहुत कच्चे से, यानी वहाँ पर कोई सीमेंटेड रोड नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। उसके बाद जो ड्रेन्स हैं, जो नालियाँ हैं, वो अनकवर्ड है, ढके हुए नहीं है। बट आयशाज फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। लेकिन आयशा के जो परिवार है वो अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं और घर के आसपास जो भी चीजें हैं उन्हें वो साफ सुथरा रखते हैं। द एंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट। जो पूरा नेबरहुड है, जो पूरा मोहल्ला है ना, जो पूरे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो इस चीज़ का इंश्योरिटी देते, सुनिश्चित करते हैं कि जो गार्बेज होगा उसे कभी भी ड्रेन्स में, नालियों में नहीं फेंका जाएगा और रास्तों में नहीं फेंका जाएगा। दे हैव डग ए डीप पिट इन ए स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड कवर्ड विद सॉइल टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट। और उन्होंने क्या किया, गड्ढा खोदा है, बहुत ही डीप गड्ढा खोदा है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, सभी गार्बेज को डाल देते हैं। ओके, उसे कवर कर देते हैं सॉइल के, ताकि वो जो है कंपोस्ट के रूप में चेंज हो जाए। एंड जो कंपोस्ट में चेंज होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उससे फायदा ये होता है कि जो भी चीज़ें होती है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसे एक बहुत अच्छा मैन्योर तैयार हो जाता है, जिसे फिर फार्मर्स के द्वारा फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। नीरज लिव्स इन अ मेंशन इन विलेज भोगपुर। देखिए, नीरज जो है वो क्या, कहाँ रहता है, वो विलेज भोगपुर के मेंशन में रहता है। ओके, इट इज सराउंडेड बाई लॉट ऑफ ग्रीनरी, इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा क्या केस है। नीरज जो है वो विलेज भोगपुर के बहुत अच्छी जगह में रहता है, लेकिन वहाँ आस पास पूरी तरफ हरियाली तो है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर सभी लोग जो है वो अपने कचरों को रास्तों में फेंक देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। ओके, मेन गेट्स के सामने ही फेंक देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, चारों तरफ हरी भरी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे तो बहुत है। ओके, फार्मर्स जो वहाँ पर रहते हैं वो रिच है, बहुत ही अमीर है, लेकिन अपने घर के आसपास कोई साफ सफाई नहीं रखता है। यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गैस एक्यूमुलेटेड, एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया है। ओके, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता है, किस चीज़ का, गार्बेज का। ओके, यानी एक्यूमुलेट हो गया, वहाँ पर इकट्ठा हो गया। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। अब देखिए, इतना गमक उससे निकलता है, इतना दुर्गंध उससे निकलता है कि जब भी विलेजर्स वहाँ से पास होते हैं तो उन्हें अपने नाकों को बंद करना पड़ता है। मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज। अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जो फ्लाइज और जो मॉस्किटोज होते हैं ना, वो वहाँ पर ब्रीड करते हैं अपने जैसे, और क्या कहते हैं, जन्म देते हैं। ओके, अब यहाँ से समझिएगा, एक एक्टिविटी दिया गया है, हाउ आर द सराउंडिंग ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन नीरज हाउस। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा है कि आयशा के हाउस का जो सराउंडिंग है वो कैसे नीरज के हाउस से सराउंडिंग से अच्छा है। दो रीजंस देने हैं। तो पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो विलेजर्स है ना, वो यानी किसके विलेजर्स, आयशा के विलेजर्स। ओके, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे जो लोग रहते हैं वो अपने आसपास के अपने होम को बहुत अच्छा रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वो इस चीज में एक्टिव है। ओके, और वहीं पर वो एक काम और करते हैं कि वो जो भी गार्बेज निकलता है उसे एक पिट में डाल देते हैं। अब बी, यहां पे एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन वन गुड पॉइंट एंड वन बैड पॉइंट ऑफ ए नेबरहुड। आपको अपने आस पड़ोस में जो भी अच्छी चीज़ें लगती है उसका एक पॉइंट, और जो खराब चीज़ें लगती है उसका एक पॉइंट लिखना है। ओके, तो आप लोग इसे अपने प्रकार से लिख लीजिएगा। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। देखिए, हम लोग सभी अपने आसपास में, अपने आसपास के जगहों को साफ रखने के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि हम लोग अपने आस पास की जो भी चीज़ें हैं उसे क्लीन करके रखें। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज हर सराउंडिंग्स। देखिए, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि सभी लोग, किसी भी घर के हो, वो सभी लोगों को कम से कम इतना जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास में गंदगी ना हो। ओके, ऐसा नहीं सिर्फ अपने घर को साफ कर लेने से
बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अपने आसपास सराउंडिंग में ये चीज़ देखनी होगी कि अपने आसपास में साफ सफाई है या फिर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। एक आइडियल होम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक बहुत ही अच्छे घर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, द साइज लोकेशन और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड नेबरहुड। देखिए क्या बोला गया है, कोई हाउस है जो बहुत अच्छा है, साइज उसका बहुत बड़ा, उसका लोकेशन बहुत अच्छा जगह में है वो, ओके, एंड उस बिल्डिंग बनाने में बहुत खर्चा किया गया, लेकिन यदि साफ सफाई ना हो तो किसी फायदा का नहीं रहेगा। ओके, यदि उसमें बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं रहेगी तो किस फायदे का घर। ओके, ये मैं कहना चाहता हूं। ओके, यहां पे इस चीज की जरूरत होती है कि आप घर कितना भी अच्छा बनवा ले, जब तक उसे आप मेंटेन नहीं करेंगे वो घर अच्छा नहीं कहला सकता। ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल होम इफ यू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे बोला गया है कि बहुत सिंपल सा हाउस है, ओके, बहुत सस्ते हाउस है, यानी बहुत बड़ा महंगा हाउस नहीं है, बहुत बड़ा हाउस भी नहीं है, उसका लोकेशन भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो यदि उस हाउस में रहेंगे ना तो वो हाउस एक आइडियल हाउस कहलाएगा। ओके, एक आदर्श हाउस कहलाएगा। कैसे, समझिए, सनलाइट इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप द रूम ड्राई। देखिए उसमें सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो है सनलाइट, वहाँ धूप आना चाहिए। ओके, अब उससे क्या होगा, तो धूप से आने से क्या होगा, हमारा घर जो है वो रोशन करेगा, पहला बात। दूसरा, धूप के आने से रूम जो है वो हमेशा सूखे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे। और जो सनलाइट है, गर्मी से क्या होगा कि जर्म्स भी दूर भागेंगे, रूम्स में जर्म्स भी नहीं रहेंगे। देयर शुड बी सफिशियंट विंडोज और वेरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। अब अधिक से अधिक सनलाइट लिया जा सके इसके लिए वहाँ पे विंडोज होने चाहिए और अंदा होने चाहिए। ओके, डू यू नो सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स। हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन कौन करता है, विटामिन डी, एंड विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है कौन, सन। ओके, सनलाइट। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि वेंटिलेशन। विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। देखिए विंडोज जो खिड़कियाँ होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो एक दूसरे के फेस करने चाहिए, यानी एक दूसरे के सामने होने चाहिए ताकि फ्रेश एयर का फ्री फ्लो हो सके, बहाव ठीक तरीके से हो सके। ओके, किसका, फ्रेश एयर का, एक अच्छे एयर का फ्री फ्लो हो सके। आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। एंड ये इस चीज़ को भी सुनिश्चित करते हैं कि जो गंदे एयर होते हैं वो हमारे घर से बाहर निकल जाए, हमारे रूम से बाहर निकल जाए, ताकि हमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो पाए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक और डू यू नो आता है, इन आइडियल होम शुड हैव चिमनीज और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। देखिए एक अच्छे होम में क्या होना चाहिए, एक चिमनी होना चाहिए या फिर एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए ताकि जो स्मोक है ना उसे बाहर निकाला जा सके। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम ऑडियो एंड पॉल्यूशन। एंड इससे क्या होगा ना कि जो हाउस है, जो घर है, वो पूरी तरह से फ्री रह पाएगा किससे, दुर्गंधों से और यहाँ पे पॉल्यूशन से। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है सैनिटेशन। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। एक आइडियल होम में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, नालियों का एक अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि जो गंदे पानी होते हैं उसे बाहर निकाला जा सके। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। देखिए जो ड्रेन्स होते हैं उन्हें कवर किया जाना चाहिए और उन्हें समय समय के साथ क्लीन करते रहना चाहिए ताकि जो ब्रीडिंग होता है फ्लाइज का, जर्म्स का, मॉस्किटोज का, कॉकरोचेस का, उन्हें रोका जा सके। ओके, ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलेरा एक्सेट्रा। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रखता है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोलेरा हो गया। ओके, द डस्टबिन शुड हैव ए लीड एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे। और जो डस्टबिन होता है उसमें एक ढक्कन होना चाहिए, उसे हमेशा साफ किया जाना चाहिए, किसी डस्टबिन को। नेक्स्ट आता है डोर्स एंड विंडोज। ए गुड हाउस हैव टू डोर्स, ए वुडन डोर एंड वायर नेट फ्लाई नेट डोर। क्या बोला गया है कि एक अच्छी हाउस में दो दरवाजे होने चाहिए। ओके, एक वुड से बना हुआ डोर होना चाहिए और एक वायर नेट फ्लाई मेश डोर होना चाहिए। ओके, द विंडोज मस्ट हैव फ्लाई मेश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर। अभी बोला गया कि खिड़कियों में भी फ्लाई मेश का होना जरूरी है ताकि जो फ्लाइज और जो मॉस्किटो है उन्हें दूर रखा जा सके और एक फ्रेश एयर को अलाउ किया जा सके, क्योंकि फ्रेश एयर जो अंदर आ सके। नेक्स्ट आता है वाटर सप्लाई। एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशियंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग। देखिए नहाने के लिए एक अच्छे होम में ये जरूरी होती है कि वाटर सप्लाई सफिशियंट अमाउंट में होना चाहिए। ओके, कपड़े धोने के लिए होने चाहिए और यहाँ पे नहाने के लिए होने चाहिए, बर्तनों को साफ करने के लिए होने चाहिए, फ्लोर्स का पोछा लगाने के लिए होने चाहिए, तो पानी की भी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजेनिक सराउंडिंग। देखिए यदि वाटर की कमी होगी, पानी की कमी होगी किसी भी घर में, तो वहाँ पे अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स बनेंगे, देखने को मिलेंगे। ओके,
ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। और यहाँ पे जरूरत इस चीज़ की भी होती है कि जो पीने वाला पानी होता है ना उसे एक साफ सुथरे वेसल साफ सुथरे बर्तन में रखा जाए, ओके टैंक्स ये सब होते हैं सिंटेक्स जो होता है उसे रखा जाए उसमें, ओके स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब ढक के रख भी रहे हैं लेकिन उसे साफ नहीं करें तो बीमारी का घर बनेगा, लेकिन उसे यहाँ पे जरूरत इस चीज़ की होती है कि समय के साथ उसे साफ भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेफ्टी, द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। और जो डोर्स विंडोज होते हैं उसमें बोल्ट्स और लॉक्स होने चाहिए ताकि उसे समय समय के साथ लॉक और लॉक किया जा सके खोला जा सके, ओके द मेन डोर मस्ट हैव स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। और यहाँ पे एक जरूरत इस चीज की भी होती है कि जो मेन डोर होता है उसमें स्पाई आई हो ताकि इस चीज की इंश्योरिटी की जाए कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो घर में नहीं घुस पाए, ओके दरवाजे को नहीं खोल पाए। देयर शुड बी वॉल और फेस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। और इस चीज़ की भी जरूरत होती है कि चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जो है दीवार होना चाहिए, ओके ताकि जो स्ट्रेंजर्स है और जो एनिमल्स है उन्हें दूर रखा जा सके वो अंदर नहीं आ सके। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन सेट इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलमिटी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक प्रॉपर सिस्टम इस चीज़ का होना चाहिए यदि कहीं आग लग गई घर में, ओके और कोई दूसरा जैसे भूकंप जैसे आ जाता है, ओके यदि ऐसा कुछ हो तो उस समय तुरंत एग्जिट हो सके वहाँ से लोग, तुरंत वहाँ से लोग भाग सके, इस चीज़ की भी जरूरत होती है एक अच्छे हाउस में। अब यहाँ पे क्या बोला है दोनों में वो देखिए, द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लो फॉर एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। देखिए जो ड्रेन्स होते हैं बाथरूम से और किचन से उसमें स्लोप होना चाहिए ताकि साफ सफाई अच्छे ढंग से हो पाए। नेक्स्ट दोनों है द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स। देखिए जो डोर्स होते हैं जो दरवाजे होते हैं और जो विंडोज होते हैं उसमें पर्दे होने चाहिए, ओके जो कि पर्दे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि घर अच्छा दिखे सुंदर दिखे और प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है, ओके दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज मॉस्किटो एंड डस्ट आउट। एंड इस चीज़ में मदद करते हैं कि जो फ्लाइज है जो मॉस्किटो जो डस्ट है ना वो घर के बाहर ही रहे घर के अंदर नहीं आ पाए, ओके अब यहाँ पे क्लीनलाइननेस के बारे में दिया गया उसे समझिए। क्लीनलाइननेस ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। एक हाउस का ये जरूरी होता है कि उसे साफ सुथरा रखा जाए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। देखिए जो फर्नीचर होते हैं और कुछ दूसरे चीजें होते हैं उन्हें समय समय के साथ जो साफ भी किया जाना चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। और यहाँ पे जरूरत इस चीज की भी होती है जो जमीन होता है ना उसे समय समय से किस चीज से साफ किया जाए डिसइंफेक्टेंट के साथ पोछा लगाया जाए उसमें, क्योंकि थिंग्स शुड बी कीप्ड इन प्रॉपर प्लेसेस। और जो सामान होते हैं उन्हें अच्छे अच्छे जगह पर सही सही जगह पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीवी की जगह टीवी का रिमोट जहाँ रहता है वहाँ हम लोग मोबाइल रख ले, नहीं एक प्रॉपर तरीके से सामानों को रखना चाहिए ताकि ये हो सके समय पे यदि इमरजेंसी है तो वो सामान वहीं पे रखा हुआ मिले एंड हमें खोजना ना पड़े, ओके इट कीप्स द हाउस नीट टिडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए इससे क्या होता है जो हमारा घर होता है वो बहुत साफ सुथरा होता है अच्छा होता है, ओके एंड इससे एक और फायदा ये होता है ना कि इससे हमारा समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। जो चीज़ जिस जगह पर रखा हुआ रहेगा ना और हमें आदत रहेगी वहीं से उठाने की और यदि वो वहाँ पर नहीं मिलेगा तो हमें खोजने में समय मिलेगा लगेगा, लेकिन यदि वो वहीं पर मिल जाएगा तो हमें खोजने में समय नहीं लगने वाला है। गार्बेज डिस्पोजल, अब गार्बेज डिस्पोजल क्या उसे समझ लीजिए। ए क्लीन होम एंड नेबरहुड रिक्वायर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सो दैट हीप्स ऑफ गार्बेज डू नॉट हार्म द पीपल और द एनवायरमेंट। देखिए एक साफ सुथरे होम और नेबरहुड में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि गार्बेज डिस्पोजल का एक इफिशियंट सिस्टम वहाँ पर हो ताकि एक बड़े बड़े गड्ढे ना लग जाए, ओके बड़े बड़े हीप ना बन जाए गार्बेज के जिससे लोगों को या फिर एनवायरमेंट को हार्म भी ना हो। द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम दैट कैन बी रियूज और रिसाइकल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता होती है कि जो लोग होते हैं ना वो क्या करें जो ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें रियूज किया जा सकता है रिसाइकल किया जा सकता है रिड्यूस किया जा सकता है उसके यूज़ को उसे एक अलग अलग जगह पर रखे जाएँ, ओके जब वो अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिससे अमाउंट ऑफ गार्बेज के अमाउंट में कमी देखने को मिलेगी। द गार्बेज शुड बी डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन डेली बेसिस। और इस चीज़ की भी आवश्यकता होती है कि सराउंडिंग से आसपास से जो गार्बेज निकलता है उसे डेली बेसिस पे डिस्पोज भी किया जाए, ओके वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। देखिए हमारे नेचुरल एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, हम लोग सभी जो है इस चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर होम। अब देखिए
हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि हमें अपने आसपास जो है साफ सुथरा रखे, कैसे रख सकते हैं, अपने प्लांट्स लगाएं अपने आसपास में। ओके वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनीज, हम लोग ट्रीज लगा सकते हैं। वी शुड लिव इन हारमोनी इन साइड आवर होम एंड आवर नेबर्स। देखिए हमें अपने आसपास में जो भी लोग हैं उसके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ओके कुछ भी चीज़ें शेयर करना चाहिए, बातों को शेयर करना चाहिए। ओके सभी को कोई घर में फंक्शन हो सभी को इनवाइट करना चाहिए। ओके तो हम लोग एक अच्छा नेबरहुड से रिलेशन रख सकते हैं। द कोऑपरेशन शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब देखिए जब कोऑपरेशन होगा, शेयरिंग होगा, लोग एक दूसरे के बारे में केयर करेंगे तो इससे क्या होगा, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आता है डू यू नो, उसे समझ लीजिए। ए हाउस मे बी बिग और स्मॉल, इट मे बी इन विलेज और सिटी, बट इट मस्ट बी क्लीन सेफ एंड कम्फर्टेबल टू लिव इन। देखिए एक हाउस एक बहुत बड़ा हो या फिर छोटा हो, एक सिटी में हो या फिर एक गांव में हो, अच्छा हो या फिर खराब हो, लेकिन इस चीज़ की जरूरत होती है कि वो साफ सुथरा रहे ताकि लोग वहाँ पे रह सके और रह ही नहीं सके एक स्वस्थ तरीके से रह सके। ओके स्वच्छता वहाँ बिल्कुल होनी चाहिए। एंड आप देखते भी हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के हमेशा जागरूकता फैलाए रखते हैं। आज आप देखते होंगे कि हमारे जो नोट होते हैं, जो पैसे होते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान लिखा रहता है। जो भी हम लोग आज कुछ भी खाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत अभियान। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। एंड यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क ये है कि कब इसे लॉन्च किया गया था, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके यदि आपको याद है तो आप लोग अभी लिखिए, एंड यदि याद नहीं है तो गूगल करके लिखिए, आपका गूगल होमवर्क भी हो गया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी इसका सॉल्यूशन वीडियो डालूँ या फिर कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल पाए, जिससे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ओके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आप लोग डीएवी क्लास के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको सभी तरह के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। किसी भी वीडियो के लिए आप लोग इजिली प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सारे वीडियोस इजिली मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।